these four questions. These questions are based on what we have read in our previous videos. Now let's start one by one. So first question is, name the different types of habitats of terrestrial animals. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के डिफरेंट टाइप्स के हैबिटेट्स आपको बताने हैं कि कौन कौन से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं. अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से थे? दीज आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. सो आंसर इज देयर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. कौन कौन से? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड फोर्थ वन इज पोलर रीजन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, Why do black bears live in the lower part of mountains? कि जो black bears होते हैं वो mountains के lower part में क्यों रहते हैं? So answer is black bears live in the lower part of mountains because on mountains the oxygen is scarce. क्योंकि जो mountain पर oxygen की क्या होती है? कमी होती है. Scarce means lack of oxygen. एंड सन इज़ वेरी हार्श. और जो सन होता है वो जो धूप होती है वो क्या होती है? बहुत ही तेज़ होती है. ऑन द हाइएस्ट पीक्स की जो बहुत ही ऊंची चोटी होती है, द एनवायरमेंट डज नॉट सपोर्ट लाइफ. जो एनवायरमेंट होता है वहाँ का वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता. इसलिए जो ब्लैक बियर्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? लोअर पार्ट ऑफ माउंटेन्स, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द माउंटेन्स विच इज़ अ वेरी कोल्ड हैबिटेट. Now third question is, how does a camel survive in a desert? जो कि camel किस तरह desert के अंदर survive करते हैं, कि वो कैसे desert के अंदर रहता है. तो हमें पता है कि जो camel का जो habitat है वो क्या है? desert. और desert में जो conditions होती है वो क्या होती हैं? Very harsh condition होती है and scarce water condition. और जो पानी होता है उसकी भी क्या होती है? कमी होती है. जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है? वेरी लिटल होती है. और जो वहाँ का जो एरिया होता है वो कैसा होता है? ड्राई और सैंडी. तो इस सभी एनवायरनमेंट में, जो डेजर्ट का एनवायरनमेंट है उसमें ये जो कैमल है वो कैसे सरवाइव करता है? फर्स्ट पॉइंट इज, कैमल हैव अ थिक कॉट ऑफ हेयर. कि कैमल्स के जो हेयर्स होते हैं वो क्या होती है? थिक कॉट होते हैं, गहरे बाल, घने बाल होते हैं. That protects them from heat of day and keep them warm at night. कि जो उनको दिन की गर्मी से और जो रात को ठंड होती है उससे उनको बचा के रखते हैं. क्योंकि जो डेजर्ट होते हैं वो यूजली हॉट होते हैं और कोल्ड होते हैं रात के समय में. सेकेंड पॉइंट इज, दे हैव वाइड फीट फॉर वॉकिंग इन द सैंड. कि उनके जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं? वाइड. वाइड मतलब चपटे होते हैं, ताकि वो ईजिली सैंड के अंदर वॉक कर सकें. नाउ थर्ड पॉइंट इज, दे स्टोर फूड एज फैट इन द हम्प. वो फूड को स्टोर करते हैं फैट की फॉर्म में इन द हम्प. हम्प क्या होता है? ये जो कैमल्स की पीठ के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं हम्प. और जैसे इस पिक्चर में देखो जो उसके फीट है वो कैसे हैं? वाइड. ऐसे ही कैमल में और भी अडेप्टिव फीचर्स होते हैं. जैसे उनकी जो आई लैशेज होती है वो लॉन्ग होती है. वो किस लिए लॉन्ग होती है? ताकि जो सैंड होती है उसको वो उनकी आंखों से दूर रख सके. ऐसे ही जो कैमल होता है वो अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर सकता है. और जो लिप्स होते हैं कैमल के वो क्या होते हैं? थिक होते हैं, ताकि जो कैमल्स होते हैं वो ईट कर सकते हैं प्रिकली डेजर्ट प्लांट्स. जैसे कैक्टस के प्लांट्स को वो ईट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेजर्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रिकली होते हैं, कांटेदार पौधे होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज अ ग्रास हॉपर नीड अ बिग हैबिटेट. ग्रास हॉपर को बिग हैबिटेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब हमें पता है ग्रास हॉपर का हैबिटेट क्या होता है? फॉरेस्ट या फिर जंगल. सो आंसर इज, ग्रास ओपर लिव्स इन ओपन ग्रीन स्पेसिस. ग्रास ओपर ओपन ग्रीन स्पेसिस के अंदर रहता है. दैट इज अ हैबिटेट ऑफ ग्रास ओपर. इट नीड्स अ बिग स्पेस. इसको बहुत बड़े स्पेस की ज़रूरत होती है. क्यों? वेयर इट कैन होप कि यहाँ वहाँ पर ईजिली हॉपिंग कर सके एंड गेट लीव्स टू इट, ताकि उसको जो लीव्स खाने के लिए उनको ले सके.